हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुबीर जॉन किचन में आप सबका स्वागत है। वादे के हिसाब से हम आ गए हैं एक नई हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ में। सामने पड़ा है मटर और पनीर, सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ आज मटर और पनीर की रेसिपी बनेगी। तो जी हाँ, सो ले आए हैं हम करोड़ों दिलों की धड़कन वाली रेसिपी मटर पनीर। बट एक ट्विस्ट है इसमें, ट्विस्ट के लिए मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए। ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इसमें कुछ भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंचे। सो इस रेसिपी में हम क्या क्या ले रहे हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मेरे पास में है 200 ग्राम पनीर, ऑलमोस्ट 300 ग्राम मेरे पास में मटर है जो कि मैंने नमक वाले पानी में बॉईल की है। साथ में आप जो मसाले देख रहे हैं सूखे वाले, उसमें है एक तेज पत्ता, एक दालचीनी, कुछ ब्लैक पेपर, एक इलायची और जीरा। यहाँ जो आप पिसे हुए मसाले देख रहे हैं, इसमें है हमारे पास में हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक और हींग। में हमारे पास में यहाँ पर है सूखी मेथी यानि कसूरी मेथी, और हमने लिए हैं 3 मीडियम साइज टमाटर। साथ में है अदरक, एक खड़ी लाल मिर्च और 2 हरी मिर्च। तो आप ये सूखे मसाले देख रहे हैं, इनमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लूंगा। सो मेरी रेसिपी में आपने देखा होगा, मैं अक्सर हल्दी, मिर्ची, धनिया को एक पेस्ट बना के रखता हूं, जिससे कि आपके मसाले जलते नहीं है जब आप उनको गर्म तेल में डालते हैं। सो हमने चढ़ा दिए यहाँ पर कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है हमने रिफाइन ऑयल, और सबसे पहले हम करेंगे पनीर फ्राई। मैं यहाँ रिफाइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग चाहें तो घी में भी कर सकते हैं। पनीर फ्राई करने के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ज़्यादा तेल इस्तेमाल ना करें, मैंने यहाँ 1 ही चम्मच इस्तेमाल किया है। सो ये पनीर हमारे यहाँ फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है इन पे। अब हम पनीर को निकाल के गुनगुने पानी में रख देंगे ताकि वो सॉफ्ट ही रहे। अब फ्रेंड्स, सेम ऑयल में हम डालेंगे अदरक और टमाटर, हरी मिर्ची और लाल मिर्च। अब हम टमाटरों को ढक के पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। चलिए फ्रेंड्स, अब चेक करते हैं कि टमाटर हमारे पक गए हैं क्या। हाँ जी, लग रहा है टमाटर हमारे पक गए हैं। अब हम इनको ठंडा करके, ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेंगे। सो चलिए फ्रेंड, उसी पैन में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। सो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे मसाले वाला पेस्ट। सो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने टमाटर, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची और अदरक का भुना था, उनको हमने पेस्ट बना लिया है।
सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारी रेसिपी की ट्विस्ट गैस कर ली है, बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों ने नहीं किए उनको मैं बताना चाहूँगा, ये रेसिपी बिना प्याज और लहसुन के बन रही है। फिर भी हमारी रेसिपी का, हमारी इस करी का टेक्सचर बड़ा स्मूथ है। इसमें हमने ना कोई कैश्यू डाला है, ना कोई तरबूज के बीज डाले हैं। और जब इसको बनाएंगे आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी रिच बन के आएगी इसकी ग्रेवी। इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगा मटर, ये 300 ग्राम्स हैं और मैंने आपको पहले बताया है कि ये मैंने नमक वाले पानी में बॉईल करे हुए हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स देने के बाद में ढक के पकाएंगे। अंदाजन हमें इसे 5 से 6 मिनट पकाना है। एक बार हम इसे चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिना किसी काजू के, बिना किसी तरबूज के बीज के हमने ग्रेवी कितनी अच्छी रिच बनाई है। एक स्मूथ टेक्सचर रहेगा हमारी इस ग्रेवी में। स्वाद की मेरी गारंटी है आपको। मैं रेसिपी पहले टेस्ट करता हूँ, ट्राई करता हूँ, उसके बाद ही मैं अपने चैनल पर उसको इंक्लूड करता हूँ। सो फ्रेंड्स, मटर हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब टाइम है इसमें पनीर डालने का। जिन लोगों ने वीडियो स्किप किया है मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि पनीर मैंने फ्राई किया है, सॉटे किया है थोड़ा सा। अब मैं इसमें डालूंगा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप जब भी डालें तो उसको थोड़ा सा चूरा करते हुए डालिए, उसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा आता है। अब इस स्टेज में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा, जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए। अच्छे से मिक्स देंगे। पनीर डालने के बाद में हम इसको कम से कम 2 से 3 मिनट ढक के पकाएंगे ताकि पनीर मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। सो फ्रेंड्स, हो गई है हमारी मटर पनीर बनके रेडी। इस रेसिपी को आप मेरे अकॉर्डिंगली एक बार ट्राई करिएगा, मेरी इस रेसिपी को आप बनाइएगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में बताइए हमें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मैं उनसे रिक्वेस्ट एक बार फिर करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको आते रहें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए सुबीर जॉन्स किचन के साथ में बने रहिए और मेरे सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मिलेंगे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुबीर जॉन किचन। बाय बाय।